चलिए आज हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पत्रकार पर जो हमला हुआ है तो हमला किसने किया और किसने करवाया है और देखते हैं कैसे क्या हुआ है। हम मिलते हैं लोकूत वर्मा से। जी पहले तो सभी भारत न्यूज के जितने भी दर्शक हैं हमें देख रहे हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप लोग हमारे हाथों में जरूर ये देख सकते होंगे ये दर्द। हम आप लोगों को क्या बताएं रवि जी, जैसे कि लगातार 15 दिनों से लगातार हम सर्रामुंद्री गांव में उस खबर को लगातार कवरेज कर रहे थे, जहां पर देखा जाए तो काफी गंभीर रोग वहां के ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम प्रधान द्वारा काफी बड़ा घोटाला किया जा रहा है। कई जगह कंप्लेन भी दिया गया, लेकिन जब हम लोगों को वहां पर सूचित कर बुलाया गया यानी ग्रामीणों द्वारा हमें जब बुलाया गया तो हम वहां गए तो 15 दिन से लगातार वो सच्चाई का सामना कर रहे थे जो हम कैमरे में अपने कैद कर रहे थे कि आखिर में इस सर्रामुंद्री गांव की वो हकीकत क्या है। तो जब आप वहां गए तो आपके साथ क्या हुआ? हाँ तो हम वहां गए, जब गए तो एक विद्यालय वहां बना हुआ है जो लालापुरवा गांव में, और उस विद्यालय की हम बात करेंगे, बहुत अच्छा उस विद्यालय में पढ़ाई होता है। वहां के हम ऐसे मास्टरों को धन्यवाद कहेंगे जो इस तरीके से विद्यालय चलाते हैं। लेकिन अगर वहां हम देखें तो जस्ट बगल में अगर देखा जाए तो रोडों की हालात बहुत बद से बदतर था। तो हम वहां पर वीडियो बनाने लगे, अचानक में एक वहीं पर एक व्यक्ति आता है। उसका नाम जानते हैं क्या? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जानकारी लेकर के और उसका जब पता लगाया गया तो सुनील उसका नाम है और दुर्गेश प्रधान है प्रतिनिधि, यानी दुर्गेश की पत्नी वहाँ प्रधान है और दुर्गेश प्रतिनिधि है। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ में हमला किया गया ये हमारे हाथों में देखिए, ये हाथ आपका वो मतलब चोट वहीं खाया? जी बिल्कुल। ये आपने मतलब आपकी जो वहाँ एम्बुलेंस आई तो आपको एम्बुलेंस लेके गई? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मीरपुरवा। जी मीरपुरवा में अगर देखा जाए तो मीरपुरवा में हमारा मेडिकल कराया गया और वहीं से अगर देखा जाए हम जब मोतीपुर कोतवाली पहुंचे तो वहां से हमारा मेडिकल लिख दिया गया। तो हम मेडिकल भी हम लोगों का मेडिकल हुआ है। अगर देखा जाए तो ये उंगली और हमारे हाथ का ये अगर हम बात करें तो ये काफी दर्द हो रहा है, मतलब हाथ में आपके चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया? जी बिल्कुल, ये हमें आपने कराया है? जी बिल्कुल, एक्सरे भी नहीं हुआ है लेकिन डॉक्टर द्वारा इसका पूरी तरीके से इसका पट्टी उपट्टी किया गया है, दवा चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो रवि जी एक बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि क्या पत्रकार, अब उत्तर प्रदेश में क्या पत्रकारों पर ही हमला होगा? बड़ी सवाल है, क्यों भाई? अगर हम लोग जाते हैं तो एक समाज सेवा करते हैं, निःशुल्क में काम करते हैं, अगर देखा जाए तो आप बताइए, हम 15 दिन से जब लगातार उस प्रधान का पोल खोल रहे थे, जब उस प्रधान को पता लगा कि हम जेल चले जाएंगे, यानी सच्चाई अब छुप नहीं सकता है, ये पत्रकार अब हमारा भांडा फोड़ कर ही रहेगा। लेकिन उन्होंने अपने चमचा के साथ में वहाँ क्या किया, सुनील नाम के व्यक्ति को वहाँ भेजा और वो डायरेक्ट देखा जाए तो अटैक कर दिया हमारे ऊपर। वहीं से देखा जाए मेरा माइक तोड़ा और माइक लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि आप पर हमला बोला गया, 8-10 लोग वहाँ मौजूद थे ट्रैक्टर ट्राली के बगल में, जो वीडियो चल रहा है। इसलिए हम लोग बहराइच से आए हैं आपसे जानकारी ले, क्योंकि आप मेरे टीम के सदस्य भी हैं, पत्रकार भी हैं और जनता के भी अच्छे आपके ट्रंप है जनता में, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जो वीडियो वायरल हो रहा है तो सच्चाई जानने के लिए हम लोग बहराइच से आए कि हाँ भाई सच्चाई जानना है कि क्या होता है, कैसे हुआ, क्या मामला। अच्छा आपका सामान क्या क्या वहाँ छीना गया? मेरा सामान अगर देखा जाए जब हमारे साथ में हाथापाई हुआ तो उसी में हमारा मोबाइल भी गिर गया था, लेकिन वहीं पर एक महिला थी तो महिला ने हमारा मोबाइल हमको दे दिया। लेकिन हमारा एक कॉलर माइक था और हमारा आईडी था और एक मीडिया माइक था, वो भी छीन लिया गया। उसमें देख आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो मेरा माइक लेकर के वहाँ जा रहा है, मैं उससे गुहार लगा रहा हूँ कि भैया आपको समस्या क्या है, मैं तो ना आपको जानता हूँ और ना आप हमें जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 15 दिन से मैं खबर चला रहा हूँ तो भाई जो सच्चाई वो सामने आ जाएगा। और लोगों का वहाँ कहना है कि आपका पर्स वर्स हो जो डीएल था, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का पेपर भी छीना गया क्या वहाँ? जी हाँ, लेकिन अब कुछ जो वहाँ महिला थी तो जो कागजात वो भागने लगा तो कुछ कागजात वहाँ उसका गिर गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे में देखा जाए तो मोतीपुर थाने में काफी जो देखा जाए तो काफी गंभीरता से लेकर के पुलिस ने हमारी पूरा सपोर्ट किया और काफी मीडिया के टीम हमारा सपोर्ट कर रहे हैं लगातार देखा जाए तो बहराइच जिले मतलब में। इंस्पेक्टर साहब ने, मोतीपुर इंस्पेक्टर साहब ने आपका पूरा सपोर्ट किया जी, मतलब गंभीर धाराओं में लिखी मुकदमा। जी बिल्कुल, अरेस्ट हुए भी नहीं? अरेस्ट हुए, पुलिस लगातार उस गांव में अभी बात किया गया तो पुलिस बता रही कि हम मौके पे पहुंच रहे हैं, उसको बहुत जल्द पकड़ कर जेल भेजा जाएगा। और जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, जितने हमारे दर्शक हैं सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे, आज हम रवि गुप्ता जी को और अब्दुल नासिर जी को, और रही गई बात जितने हमारे टीम के प्रीतम सिंह जी हैं और बहुत सारे टीम के लोग हैं, जैसे कि उदल भाई रिसिया के हैं और रामेश्वर भाई हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हम लोगों का पूरा सपोर्ट दिए और हमारा सपोर्ट किए, जो आज उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया है। ये पत्रकारों का अगर देखा जाए तो ये बड़ी जीत का हासिल है
और पत्रकारों को न्याय मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है बहराइच जिले में जो काफी गंभीर। योगी सरकार में पत्रकारों को न्याय मिला है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा आपको बता दे 115, 352, 351, 324 धाराओं में दोनों लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लगातार पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्गेश और सुनील को पकड़ने में लगी है और हमें आशा है कि मोतीपुर पुलिस द्वारा हमें न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, फोन से धमकी हमकी तो नहीं आती आप? जी बिल्कुल। एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, वहाँ के जो लोग हम लोगों को मदद किए यानी थाने तक पहुँचाए, वो वहाँ से हम लोगों को उठा के लेके गए, तो उन लोगों के ऊपर फोन द्वारा गाली गुताली धमकी दिया जा रहा है। मतलब प्रधानी का रोग जमा रहे हैं। जी बिल्कुल, और उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हम लोगों को बचाया है, उसको डायरेक्ट देखा जाए तो धमकी दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो मोतीपुर पुलिस को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे जो हम लोगों का फुल सपोर्ट करते हैं। और लगातार हम बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे माफियाओं पर जरूर कार्रवाई हो, जो हम लोग चौथे स्तंभ के हैं, हम लोग हमेशा समाज का सेवा करते हैं। रवि जी धन्यवाद।